आई है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ मम्मी। आपके कपड़े तैयार हैं माँ जी। मम्मी आप हमेशा मुझे इस ग्राउंड में खेलने से मना करते हो, ऐसा क्यों? बोलो ना। चुपचाप चलो, वहाँ मत देखो। मैंने कहा ना वहाँ मत देखो। जल्दी चलो यहाँ से। रेखा, रेखा बेटी, सुन रही हो ना? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? दरवाजा खुला है माँ, अंदर क्यों नहीं आ रही हो? बोलो तो, बोलो भी रेखा, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ मैंने देखा कि कोई मुझे उस ग्राउंड की तरफ घसीट कर ले गया और उसने मुझे मार डाला। माँ मैंने कहा था ना वहाँ मत जाना, नहीं सुनी ना मेरी बात? वो जगह शापित है, वहाँ बुरी शक्ति का वास है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो मेरी सुनती कहाँ है? लगता है तेरा दुपट्टा भी पूरी तरह शापित हो गया है, उसे तुरंत यहाँ से हटाना होगा। कहाँ है तेरा दुपट्टा? मुझे अकेला इस दुपट्टे को फेंकना होगा। ए क्या कर रहा है, दिखाई नहीं देता क्या?
तुम सब यही सोच रहे हो ना कि यहाँ पर मेरी एंट्री कैसे हुई। मैं यहाँ मैच खेलने आया हूँ, बैट मैच। यहाँ पर गली के 10 ओवर का मैच नहीं होगा, सिर्फ 3 बॉल में 2 सिक्सर मारने होंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे पैसे डबल। चलो बोलो बोलो किस में दम है, 3 बॉल में 2 सिक्स। भिड़ू, ये ऑफर तो बहुत अच्छा दे रहा है। हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ सही कहा भाई, पापा को पता चला तो पॉकेट मनी बंद हो जाएगा। वैसे भी उस पॉकेट मनी में कौन सा खर्चा निकलता है? मेरे 2000। ये ले बैट, बॉल दे बे। साले का मेडल ही उड़ा देता हूँ। इसके भी पैसे गए। स्ट्रेचर ले आओ इसके लिए। नेक्स्ट। अब तू कितने लगाएगा? 5000। कहाँ से आएंगे? तेरे पिताजी देंगे। पांच हजार गए पानी में। क्यों रे, और कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा। तो चलो दूसरे ग्राउंड पर। ए सुना ना भाई ने क्या कहा, चल पैसे उठा। यार तुम सब चेहरे लटका कर क्यों खड़े हो? 3 बॉल में 2 सिक्सर मारने हैं, अगर तुम जीते तो पैसे डबल, वरना कंगाल। ऑफर तो मस्त छे, एक झटके में पैसा डबल आने हूँ, माला माल। एक मिनट ना, मैं देखता हूँ मेरे पॉकेट में कितने हैं। अगर मैं 20,000 लगाऊंगा तो कितने मिलेंगे? बोलने केटला। पूरे 40,000। ठीक है तो ये रहे मेरे 20,000, तुम्हारे 20,000। तू भी जल्दी पैसे निकाल। हाँ पैसा काढ़ो बद्दा है। अबे जल्दी रख। बॉल बचे। अभी 1 सिक्स बाकी है। अगले बॉल पे भी छक्का। वही मैं सोच रहा था, विलन ने एंट्री कैसे नहीं मारी? मारा मारी का टाइम आ गया। तू मुझे मारेगा? हैं? क्यों बे? मुझे मारेगा? नहीं मार सकता। चल मार के दिखा। अभी दिखा। तू क्या दिखा? ये स्टंप लाओ रे। तुम सोच रहे हो मैंने ये सर्कल क्यों बनाया? अब मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम में से कोई मुझे सर्कल में से मारकर बाहर निकाले तो मैं मान लूंगा तुम जीत गए, पर अगर मैं तुम्हें मारकर बाहर फेंकूं तो मैं जीत गया। तो पहले अपना नसीब कौन आजमाएगा? मुझे यकीन है तुम नहीं आओगे। तुम्हें देखना है कि मुझमें दम है या नहीं, इसीलिए तुम पहले अपने चमचों को भेजोगे, है ना? आ भी गयो गांडो। आज तो तू गया काम से, हड्डियां तोड़ दूंगा। मैंने ब्रूसली के चेले से इसे चलाना सीखा है। ब्रूसली के चेले से सीखा है? जरा डेमो दिखा ना। ध्यान से देख। छोड़ो मत, छोड़ो मत।
अरे मेरी कमर तोड़ दी, आप भी मत जाओ, बहुत गंदा मारता है ये, तो ब्रूस ली का भी बात। जाओ साले को सुला डालो। अब मैं जाता हूँ। अब तक क्या इनविटेशन के लिए खड़ा था? अब कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। एक्सक्यूज मी भाई, अगर पहले चले जाते तो मेरी कमर बच जाती। आज तक ले। इधर आ। अंदर आ, अंदर आ। बाहर जाएगा तो हार जाएगा ना, गेम के रूल्स हैं। चल घूर मत, फिर से ट्राई कर, वन मोर चांस। ए, क्या यार, मैंने तुझे चांस दिया तो थैंक्स कहने के बजाय फेस बिगाड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल आ जा। बॉल, अबे बॉल किधर है? बॉल नहीं है तो क्या हुआ यार, तू तो छे। आउट। बापू आनी तो विकेट पड़ी गई। क्या भाई, मेरे बिना ही नाचना शुरू कर दिया? अरे तुम्हारे बगैर कैसे नाच सकते हैं, पर तुम टाइम पे आए नहीं ना। ए चलो साइड हटो, नाचने दो इसे। ए क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या? पीछे आ जाओ, मेरा यार खुद उठेगा। ब्रदर, इन सबको तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत दिखाकर हिला के रख दो। याद रखो, नो पेन नो गेन। पेन को साइड में रखो, दर्द को भुलाओ, उसको थोड़ा पानी पिलाओ, सबको विल पावर दिखा दो। ऑल द बेस्ट। बाय। यार टाइम क्या हुआ है? छह बज रहे हैं। छह बज गए? क्या छह बज गए? अरे बाप। एक बात बता यार, अकड़ से मारते हो, स्टाइल से नाचते हो, लेकिन शाम को दारा सिंह से दब्बू सिंह क्यों बन जाते हो? वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अबे मेरे का सवाल है क्या जो समझ में नहीं आएगा? बताता हूँ, हंसना मत। ए राज की बात है, तुम्हें बताता हूँ, किसी को मत बताना। बता। अगर रात को गलती से बाथरूम जाना पड़ा ना, तो मैं बेड में ही कर देता हूँ। अरे भूत बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी देखता है, बचपन हो या बचपन, भूत तो भूत ही होता है ना। पीट लो, पीटना चाहते हो ना। मैं भी कभी कभी यही करना चाहता हूँ, जब अपनी शक्ल आईने में देखता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में लायन किंग जैसा बहादुर होता हूँ, लेकिन रात के वक्त मिकी माउस जैसा डरने लगता हूँ। ए राघव, भूत फिल्मों में होते हैं। अबे मैं बोल रहा हूँ ना, होता है तो होता है। अमावस्या की रात को मैंने मोमबत्ती हाथ में लेकर उड़ती चुड़ैले देखी है, जो शर्मा के गाना गा रही थी। बहुत हो गया, आगे तो बोल। कुछ भूतनियाँ शर्मीली होती है, लेकिन कुछ भूतनियाँ उसकी ठीक उल्टी होती है, मतलब एकदम भयानक। अपने बाल खोलकर रीमिक्स गानों पर मौत का नाच नाचती हैं। और तुम कहते हो दुनिया में भूत नहीं होता? भूत होता है यार, लेकिन हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन्स डे आ रहा है, वो हमारे लव में पड़ जाएंगे। सच में क्या? और क्या चाचू, हम कितने दिनों से आपसे कह रहे हैं, हमें स्टोरी सुनाइए, आप
बहाने बनाकर पतली गली से निकल लेते हैं। आज बहाना नहीं चलेगा। स्टोरी सांभर बीचे, कई स्टोरी। भूत की स्टोरी। भूत की स्टोरी? हाँ चाचू। मैं स्टोरी सुना तो दूं, लेकिन तुम बच्चे हो ना, डर जाओगे। चाचू पहले स्टोरी सुनाइए, फिर देखते हैं डरता कौन है, हम या आप। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। एक गांव था। सुनो राघव, सु करे छे बेटा। स्टोरी सुना रहा हूँ माँ। कौन सी स्टोरी? भूत की। भूत की स्टोरी? ये खुद भूतों से डरता है, फिर भी भूत की स्टोरी बताएगा, भूत की पिक्चर देखेगा, भूत की तरफ बर्ताव करेगा। तुम ही उसे कुछ समझाओ ना, ये सब बातें करके रात को मुझे परेशान करेगा। समझाना बेटा तू उसको। मुझे भूत की स्टोरी नहीं आती। बैल की तरह खाना बंद कर और उसे बुला। राघव भैया आओ। ए, मैं डर नहीं रहा हूँ, बहादुरी से स्टोरी सुना रहा हूँ। वो बहादुरी दिखा रहा है और तुम मुझे उसे रोकने को कह रही हो। गांडो न थी आवी जैसे माँ। तुझे पता नहीं क्या, उसकी बहादुरी 2 मिनट की है, उसके बाद कूद कर मेरी कमर पे बैठ जाएगा। एक गांव था। आगे क्या होगा वो बताओ ना, कब से गांव पे अटके हुए हो? ये बड़ी जल्दबाजी है तो जा ना, हमारी लिंक टूटी जाए, समझो ने। अगर डर लग रहा है तो आगे आ जाओ, मेरे पास आओ ना बच्चो, यहाँ आ जाओ। और उस गाँव में एक बड़ा सा बंगला था, और बंगले में जरा हटो ये, अब ठीक है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिकर है ना, तुम्हें डर ना लगे इसलिए तुम्हारे बीच में बैठ गया। पास आओ ना, बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं, कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें बाथरूम जाना है या फिर प्यास लगी हो तो अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो हम कहाँ थे बेटा? एक गाँव था। आराम से बोलो ना, ये साउंड इफेक्ट क्यों? ओके सॉरी। तो उस गांव में एक घर था। घर? ज्यादा होशियारी मत करो, पता नहीं कब सुधरेंगे। और उस घर में ठंडी कपकपाती हवा चल रही थी। हवा के साथ बिजली और बारिश भी थी। नहीं ये मेरी स्टोरी है ना, मेरी स्टोरी में सजेशंस मत दो, मैं भूल जाऊंगा तो मेरे भाई के बच्चे कान के नीचे मारूंगा। ए राघव जम्मा नहीं आओगे? आ रहा हूं मां, मैं स्टोरी भूल गया, शायद खाना खा के याद आ जाएगा। अरे कहां जा रहे हो? आप अगर भूल गए तो हम एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना सुनाओगे तो ही स्टोरी सुनूंगा, उसके बिना आपको डर नहीं लगेगा। अरे ज्यादा डर से कोई आदमी मर भी सकता है। बच्चों की तरह डरो मत। एक कब्रिस्तान में 2 जुड़वा भूत रहते थे, वो डिनर नहीं करते थे लेकिन 5 बोतल खून पीते थे। अरे यार मेरी तो 2 इंसान खाने वाले भूत से भी फटती है, ज्यादा डाइट वाले भूत को मत बुलाओ। रुको अब मेरी स्टोरी सुनो, तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल लोरी जैसी है, मेरी स्टोरी डरावनी है जिसमें एक लंबे बालों वाली डायन है। स्टोरी में भूत कम था जो तुमने अब डायन को भी बुला लिया। हाँ, उसके सांप जैसे लंबे बाल थे, चमगादड़ जैसी आंखें थी, लाल सुर्ख लाल। भूख लगी है? जुबान जहरीली जुबान। चाचा आपकी जुबान क्या है? भूख लगी है? उस जहरीली जुबान से वो आने को सामने वाले का खून चूस लेती थी। देखा मैंने कहा था ना, इसका फिर से शुरू हो गया। चले हट, जावा दे मने। बस आता ही होगा पेड़ पर चढ़ने। मम्मी 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 बचाओ, राघव क्या कर रहे हो? बच्चों चुप करो, चलो खाना खाओ। बहुत मस्ती होगी। राघव कुछ तो सोच, अब तू बड़ा हो गया है। क्या, यही कि तू शादी के लायक हो गया है फिर भी बात बात पर मेरी कमर पे चढ़ जाता है। तेरी बीवी आएगी तो क्या सोचेगी बोल तो? उतर नीचे, गांडो थई गयो के कायरो की तरह मेरी कमर पे बैठा है। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना बेटा, उतर नीचे। हाँ उतर बेटा, उतरना उतरना। मेरी कमर टूट गई। इन दोनों को सुबह देख लूंगा। चुप है। फिर से शुरू हो गया। माँ डर लग रहा है तुम्हारे गधेड़ानो छोकरो। भैया कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता तो भौंकेगा ही ना, कहते हैं जब कुत्ता भूत देखता है तभी ऐसे भौंकता है। राघव बस भी कर, अभी तो खाना शुरू किया है। चैन से खा नहीं तो दे, न रात को सोने देता है न चैन से खाने देता है। मेरी प्रॉब्लम है तो क्या करूं? ए मोटू, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से खाना खा। हाँ ठीक है चाचू। हेलो पिया, एक हफ्ते की छुट्टी है, इधर रहला ये तेज। मेरी बहन कल यहाँ रहने आ रही है, उसकी छुट्टियाँ जो है। मन में लड्डू फूटा,
चुपचाप खाना खा ले। भाभी काय रे? आपकी बहन काले आवे छे? नीचे। क्या वो अभी वैसी है जैसे मैंने आपकी शादी में देखा था उसे? नहीं 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 नहीं, अब तो वो बिल्कुल गोल्डन ब्यूटीफुल बन गई है, एकदम मॉडल। मॉडल लगती है, हाइट भी तुमसे ज्यादा है। चलेगा, स्टूल पे चढ़ जाऊंगा। तुमसे ज्यादा स्टाइलिश है। मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा भाभी। उसका रंग भी बहुत गोरा है। कोई बात नहीं, मैं पाउडर लग। ए भाभी, काहे मुझे कुछ भी बोलो मगर मेरे कलर पे मत जाना। हां, अब बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें, बच्चों से स्टोरी सुनते वक्त डर के मां की गोद में आ गए। चुपचाप खा अंडा। मुझे नहीं खाना खाना। मां, तुम चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है? मुझे खाना तो। अरे खुद नहीं खाना तो मत खाओ, उन्हें तो खाने दो। आ छोकरो, मैंने गांडो करी ना मुख से। बचपन से मुझे खिलाने और सुलाने के लिए भूत की स्टोरी सुनाती रही और अब इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। ओए सुन, जाके सुसु कर ले या फिर डायपर पहन ले, मैं रात को उठने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मर गई रे। अरे माँ, आप क्या? मैंने टॉयलेट जाऊ जे। अब क्या चेन भी खोल के देनी पड़ेगी? क्या मतलब? शर्म कर, शर्म। अरे माँ, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो टॉयलेट करवाने के लिए तुम्हें बुलाने वाला हूँ? इतना दिमाग है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ताकि जब मैं टॉयलेट के अंदर रहूँ तो कोई भूत आकर मुझे पकड़ ना ले। कान के नीचे बजाऊंगी, चल अंदर। माँ तुम भी चलो ना। माँ छोड़ ना, कर ले। माँ अब क्या हुआ? कोई गाना गाओ ना माँ। गाना गाने को कहा, डराने को गाना नहीं। ही तो गा रही हूँ। ये क्या गाना है? गाना सुन के सुसु रुक गया, कोई अच्छा गाना गाओ। ठीक है, गाती हूँ। ए, मुझे गीला करेगा, घूम जा। उबलता पानी, निकलता पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, समंदर का पानी, जिस रंग में मिला दो वैसा पानी, पानी रे पानी। वाह माँ, कमाल कर दिया। पानी, 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 hey, पानी, mom, you rock! पोस्ट ऑफिस बंद कर। क्या करूं मैं इस लड़के का? लोग बेडरूम में अच्छी चीजें सजाते हैं और ये जूते सजा रहा है। बचपन में तुम्हीं ने तो ये सिखाया था। अरे गधे, तब तू बच्चा था, बड़ा हो गया है। भूत बच्चा बूढ़ा किसी के भी अंदर घुस सकता है। ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। अब कोई भी आत्मा बाउंड्री क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकती। अगर आ गई तो हनुमान जी छे ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर। हे भगवान, मेरी सारे भूत प्रेत चुड़ैल डायन आत्माओं से रक्षा करना। ओके माँ, सो जा। अगर तुमने मुझे सुबह 5 बजे उठाया तो मैं फटाफट तैयार होकर प्रिया को पिकअप करने जाऊंगा। चुपचाप सो जा और सोने दे, ड्राइवर जाकर उसे पिक कर लेगा। कौन सी रुत का इंतजार कर रहा है? कब से देख रही हूँ तुझे, कभी इधर कभी उधर। सू चाले छे? कुछ नहीं माँ, वो एक फ्रेंड आने वाला ऐसा था। ऐसा कौन सा फ्रेंड है तेरा जिसके स्वागत के लिए सुबह से खड़ा है? तेरे सारे दोस्तों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुबह से नहा धो के परफ्यूम मार के खड़ा है हीरो जैसा, कोई तो बात है। मैं रोज नहा धोकर तैयार होता हूँ। आज का तैयार होना कुछ अलग है, मुझे मत सिखा। दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, कुछ तो खांड भी पक रही है। मेरी माँ दिन ब दिन बहुत चालाक हो रही है, अब तक आई कैसे नहीं? माँ, प्रिया आली, लौकर या। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि सुबह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसे एक बार अंदर आने दो, फिर मैं कैजुअल एंट्री मारूंगा। टैन 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 टैन। ये मोरनी की तरह क्यों नाच रहा है? प्रिया, हाय। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। चले शादी हो जाए और सौ बच्चों की माँ बन तू। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैंने पढ़। हाय मासी। हेलो मासी। ये बड़े पैक में छोटा बच्चा। हाय। हाय। आज तुम हमारे घर अचानक कैसे आ गई? नौटंकी, जैसे किसे पता ही नहीं था ये आने वाली है। नहीं माँ, मैं तो वो बाहर जा रहा था और अचानक सामने ये नजर आ गई तो। तो सुबह 5 का अलार्म क्यों लगाया था? तो कैसा सब कुछ? सब कुछ ना,
एकदम खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम कैसे हो? मुझे क्या हुआ, हूँ तो फाइन छो। वैसे तुम्हारा ये ड्रेस सेंस एकदम जबरदस्त है, हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनो। वेरी नाइस, आई लाइक इट। प्रिया, यहाँ आने के लिए कोई और कपड़े नहीं पहन सकती थी क्या? दीदी, तुम्हारे यहाँ आना था इसलिए तो मैंने इतने डिसेंट कपड़े पहने हैं, वरना घर पर तो मैं इनसे भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। अरे वाह, तुम तो इन लंबे कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। इन कपड़ों में छुपता कम दिखता ज्यादा है। क्यों क्यों, कितना मुलायम है, क्या खराबी है इसमें? जवानी में ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या मेरी उम्र में पहनेगी? और नहीं तो क्या? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए मेरे पति ने, वरना मैं भी क्या लगती। वैसे मैं भी कोई बम से कम नहीं थी। माँ, तुम भी ऐसे कपड़े पहनती थी? राघव, तारी मानी, इमारत पुरानी है लेकिन बुनियाद अभी भी मजबूत है। टेरिबल क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन टेरिफिक। कॉम्प्लीमेंट मत दे, मैंने शर्म आवे छे। भाभी काय, भैया से शादी होने से पहले आप भी ऐसे कपड़े पहनती थी? देवर जी, कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। वैसे तुम्हारा ये लुक बहुत अच्छा है। प्रिया, तू जाके फ्रेश हो जा, जा जा बच्चों, मासी के साथ जाओ। बाय प्रिया। सब कुछ बताना। भाभी जरा यहाँ आना। कैसे हो? वैसे तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन आते वक्त अगर प्रिया की पसंद का कुछ लाना हो तो हूँ ले आविश। मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मेरे लिए तो कभी एक छोटा गिफ्ट भी नहीं लाए। भाभी, आप दोनों में फर्क है ना? आप मेरी भाभी हैं और प्रिया वो तो ड्रीम गर्ल है। बस कॉम्प्लीमेंट था। एक टिप दो देवर जी, उसे गिफ्ट पसंद नहीं, समंदर किनारे घूमना पसंद है। पर आज मैं बीच नहीं खरीद सकता। देवर जी, आज आप बैटिंग की प्रैक्टिस कर लो, कल तुम दोनों बीच पे क्रिकेट खेलना। ओके, बीच, यू मी एंड बीच। आ गए तुम? क्या यार, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाकर यहाँ खम्बे जैसे क्या खड़े हो? अरे यार, यहाँ बिल्डिंग बनने वाले, उसी का काम चालू है। बिल्डिंग बनने वाली है? जब भी मैं खेलने के इरादे से घर से निकलता हूँ ना, तो मेरे बैट और बॉल के बीच कोई नहीं आ सकता। ए, किसी को कोई नया ग्राउंड मालूम है क्या? अरे अरे अरे, याद आया, यहाँ पास में एक ग्राउंड है राघव, बहुत दिनों से खाली पड़ा है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। अगर साफ सफाई कर दें तो अपन खेल सकते हैं। ओके। अरे और कितना टाइम लगेगा यार? अरे पहुँच गया यार, ये रहा वो ग्राउंड। क्रिकेट रमवा માટે શું ફર્સ્ટ ક્લાસ ગ્રાઉન્ડ છે। યાર યાર, તો સિક્સ મારને ભી ભી બડા મજા આયેગા। એ યે લે પાણી માર, જાય જલ્દી તું ભી લે। हाँ चल मार। अबे जोर से मार, जमीन सख्त है, दम नहीं है क्या? रुक जा रुक जा रुक जा। अब मार, जोर से मार, जोर से। अरे जरा जोर से मारना। बैट मने आप, मैं ठोकता हूँ। ये ऐसे नहीं होगा, कोई भारी चीज चाहिए। जोर लगा के आयशा। जा जा बॉलिंग कर। ये सब क्या हो रहा है भाई? आसमान में काले बादल छा गए, यहाँ कोई भूत तो नहीं हुआ? अंधेरे में क्रिकेट खेलना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे बैठ निकलते हैं। अच्छा चल, अच्छा।
जैसे ही हमने खेलना शुरू किया वहाँ पर तूफान आ गया। आउटफिट माँ एकदम हिट लग रही हो। ये बदबू कहाँ से आ रही है? कामाक्षी आई हो? अहो कायजाला आ रही हूँ। क्या हुआ? इस बैग से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओ खूपस घाणवास ये तो या बैगतुन। मैंने क्या अंग्रेजी में बोला? तुम्ही राघव हो नका। आप चलिए खाना खाइए, मैं देवर जी से पूछती हूँ उन्होंने बैग में क्या रखा है। मैं अभी साफ कराती हूँ, आप बैठिए। देवर जी जल्दी आइए। अभी अभी आया। आउचू, आउचू। आपके बैग से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? अच्छा, मेरी बैग से? और गंदी बदबू? लगता है सुबह से कोई मिला नहीं आपको। भाभी नए ग्राउंड पर खेलने गया था वहीं की बदबू होगी। चटनी कहाँ है? भैया बुला रहे हैं, आप जाइए ना। जाइए, अभी लाई चटनी। मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? माँ सॉरी। वांदो न थी। माँ जल्दी आओ ने। आओ चुनी, जल्दी जाइए। शांति ते जम्बा भी न थी। आओ ना माँ। कब से माँ माँ के रट लगा के रखी है। वो मुझे स्टंप और गार्ड धोने थे तो। तो क्या मैं बॉडीगार्ड बन के बाहर खड़ी रहूँ? जा जा जा। थैंक्स माँ। जल्दी जा, जा जल्दी। ये लाल लाल क्या लगा है? शायद वहाँ की मिट्टी होगी। माँ देखो बदबू गई ना। ची, दूर कराने। अरे रे रे रे, ये लड़का तो सरदर्द बन गया है। सत्यानाश है एनु। भाभी काय सूंघ कर देखो। आपके पास भी तो नाक है, खुद ही सूंघ लो। राघव जी भैया, अपनी क्रिकेट बैग वहाँ मत रखो, स्टोर रूम में रखो। ठीक है भैया। स्टोर रूम में रखिए, जाइए भैया की चमची। जाता हूँ। काइसाला माँ। बेटा कामाक्षी, तूने भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनी क्या? हाँ, आवाज यहीं से आ रही थी। मैंने तो कुछ नहीं सुना, हम तो सो रहे थे। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बर... जा। कौन छे? कौन बेसुरा गा रहा है?
कोण हसेची त्या के अंदर डर होता है ना वो अपनी परछाई से भी डर जाता है। मैं भी अपनी परछाई देखकर डर गई। ये सब तो मेरे मन का भ्रम था। मैं भी क्या क्या सोच रही थी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डरना आ गई तुम्हारी चीचे। शुभ यहाँ क्या कर रही है? शुभ, शुभ, शुभ क्या हुआ? क्या हुआ बोलना, बोलना। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है तू? दीदी मैं तो अंदर सो रही थी दीदी, मैंने अजीब से चीखने की आवाज सुनी इसलिए मैं देखने बाहर आई दीदी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ बढ़िया ही झांसी की रानी, मैंने भी किसी की गाने की आवाज सुनी। कुत्ते या बिल्ली रो रहे होंगे, उसके लिए बाहर भटकने की क्या जरूरत है? तुझे अगर इस पोज में किसी भूत ने देख लिया तो उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जा जाके चद्दर ओढ़ के सो जा। नहीं दीदी, वो जरूर कोई बुरी आत्मा थी। अरे इतना दिमाग काम में लगाया कर। अरे कोई आत्मा आत्मा नहीं है, चुपचाप जाके सो जा। आएगी तो मुझे देखकर वो भी डर जाएगी। टेंशन में लग रही थी इसलिए मैं आपके पीछे आपको देखने आ गई, पर आप तो देवर जी से भी ज्यादा डरपोक निकली और मुझे भी डरा दिया। जूता खाएगी मेरा, उठा मुझे। हाँ उठाती हूँ, आइए उठिए उठिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे पैर क्या पकड़ रही है, हाथ पकड़, हाथ। हाँ हाथ दीजिए, आइए। मर गई। आप इतना क्यों डर गई थी? अरे ये भूतनी है ना, अपनी खुद भी डरी और मुझे भी डरा रही है। ये मोटी बोल रही है इसने भूत देखा। भूत चिल्ला मत, राघव ने सुन लिया था, अभी दौड़ता आएगा। देवर जी आप गलत पेड़ पे चढ़ गए हो। पेड़ से फर्क नहीं पड़ता भाभी, बस भूत से बचना चाहिए। आपके भैया देखेंगे तो मेरी चटनी बना देंगे। सॉरी भाभी, भाभी सॉरी। मैं नीचे मेरी पैर नीचे रख, नीचे रख पैर, बोला ना। देवर जी आप उस पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ते, वो मजबूत है। पेड़ रुक जा। मासी कैच कैच, ये भी ब्लू मैं भी ब्लू, कम ऑन थ्रू, एकदम मैचिंग कपड़ा से, मेड फॉर ईच अदर। इस तरह क्या घूर रहे हो? तुम्हारा ये ठंडा ठंडा कूल कूल लुक बहुत पसंद आया। ए ए, ए बच्चों यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। क्या हुआ चाचू? तुम्हारी मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है, जाओ। हाँ, चाचू बड़े बच्चे। प्रिया बच्चों के साथ खेलने के लिए ये ड्रेस सुवाच्चे। मैं एक मॉडल हूँ, सब कुछ मॉडर्न ड्रेस में करूंगी और यही मेरा स्टाइल है। और मैं हूँ कॉमन मैन, सब कुछ कॉमन मैन की तरह करना मेरा स्टाइल है। शट अप। शट अप कह रही हो? इंग्लिश में बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? मेरी इंग्लिश कमजोर है। लड़की हंस रही है मतलब फंस रही है, अपने दिल की बात कह दे। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो, ओह शर्माते हुए तो कमाल लगती हो। बस करो, ऐसे मुड़ती हो तब तो टनटनाटन लगती हो। चुप हो जाओ। भाभी अता काय झाला रे? कुछ बात करनी है। किस बारे में? थोड़ुक अर्जेंट मैटर छे। मुझसे नहीं हुआ आपसे जरूर होगा। क्या आपसे नहीं होगा जो मुझसे होगा? जो मुझसे नहीं हुआ वो आपसे होगा। जरा खुल के बताइए। भाभी देवर जी ये क्या कर रहे हैं? आपकी बहन का। मेरी बहन का क्या? आपकी बहन से बोलिए ना।
तुम्हारी बेना ने हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर लाइन मारने की? उसे आई लव यू बोला कि नहीं? भाभी आपके चरण कहाँ है भाभी? भाभी ने देवर ने बच्चे सुन दियो बने छे गांडा ने तुर लव गुरु बने छे। मैं तो इन्हें प्यार की टिप्स दे रही थी, इनकी और मेरी बहन की जोड़ी खूब जमेगी। समझी चोड़ी वोड़ी तो ठीक है, लेकिन इसका कलर और उसका कलर साथ में मिल जाएंगे तो बच्चे कौन से कलर के पैदा होंगे? मेरी माँ हो ना? क्या मेरी असली माँ हो ना? है ना? अरे देख क्या मेरी गलती है, तुम्हारे पति काले थे, मेरी गलती है, इन्हें जन्म दिया ना मुझे। राघव नगर देवर जी, क्या करूं भाभी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर कोई कलर पे कमेंट करे तो आग लगती है। आप तो प्यार की आग में जल रहे हो, पर क्या ये आग दोनों तरफ लगी है? सोचिए भाभी, वो छुट्टियाँ मनाने हमारे घर पर ही क्यों आई है? हम दोनों की आँखें मिल चुकी है, दिल मिल चुके हैं, बस इकरार करना बाकी है भाभी, और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी छुट्टियां तुम्हारे साथ बिताने आई और मुझे छोड़कर तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ गरबा खेल रहे हो? गरबा नहीं, डांस कर रहा था। गरबा भी एक तरह का डांस है। झापड़ क्यों मारा था? सॉरी। वैसे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। आई लव यू। बेटा किसका है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? चटनी में नमक ही नहीं है। यार डर के मारे मेरा बुरा हाल है और आप सपने में चटनी चाट रहे हो। उठिए ना, बात तो सुनिए। केम परेशान करे छे? वो जो घोड़ा है ना, वो अपने आप चल रहा है। घोड़ा खरीदा, मुझे बताया नहीं? अरे वो असली घोड़ा नहीं, लकड़ी का घोड़ा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बेकार की बातें छोड़ो और आप मेरे साथ चलो। चलो ना। अच्छा चलता हूं, मैं आपको दिखाती हूं। कहीं आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। झूठ हुआ तो तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ। पता है। चलिए चलिए, मैं दिखाती हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। देखा देखा, मैंने कहा था ना, अपने आप हिल रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है, वरना ऐसा नहीं होता। हाँ छोड़ो। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़िए, मतलब भी नहीं बढ़ते। ये तो रुक गया। कहानी खत्म। मैं भी कितनी पगली हूँ, ये तो हवा से हिल रहा था। लकड़ी का घोड़ा। हाँ पता है। हवा से हिल रहा था। समझ गई मैं। तो फिर मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? मुझे माफ कर। आधी रात को दिमाग की चटनी बना दी तुमने। गलती हो गई ना। चुप कर, अगर फिर से मुझे उठाया ना तो तेरी चटनी बना दूंगा, समझी? मैं जा रहा हूँ, सोने उठाना मत। सबके सब अनाप शनाप कहानियां बनाते रहते हैं। नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए मेरा दिमाग कुछ भी सोचने लगा है, नहीं तो मैं भूत भूत। क्या? आप मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे। चल, मुझे सुबह 5 बजे की बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है और तुम घोड़े के हिलने की टेंशन दे रही हो। आपने बताया नहीं बाहर जाने वाले? अब पता चल गया ना, सो जाओ। ठीक है।
क्या जाए छे तू? आज देवी सरस्वती की पूजा है तो दीदी ने मुझे साड़ी पहनने को कहा तो इसलिए। अच्छा ये बात है, बहुत कड़क लग रही हो इस साड़ी में। लेकिन साड़ी ऐसे नहीं पहनते, साड़ी मैं पहनाता हूँ ये ऐसे। आज घर में पूजा है ना, आज तेरे कंट्रोल देवा। जय हनुमान। अरे निकलो, क्या छो तुम्हें? राघव, अरे सामान लेके आप पूजा नहीं करनी है क्या? हाँ, बाइक लाता हूँ। अरे बाइक क्या घर में लेकर आएगा, एक लौट दूंगी। छोटा मोटा सामान लेकर आ जिसकी पूजा कर सके। मोटा क्रिकेट बैट लाता हूँ। हाँ, जा जल्दी आ। ए, तुम्हारी पूजा हो गई क्या? पूजा ही तो कर रहे हैं। माँ सरस्वती, मुझे मेरे सारे क्रिकेट मैच जिता देना। ओके। अरे राघव, मुझे ये नारियल फोड़ के दे। महंगी टाइल्स है। तो फिर कहाँ फोड़ू इसे? मेरे सिर पे फोड़, अपना दिमाग चला। रुक 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 रुक, ये ले जा, फोड़ इसे। एक बार में फोड़ के दिखाओ तो मैं मानू। मेरे फटके से तुम्हें झटका नहीं लगा तो कहना, एक बार में ही फूटेगा। देखते हैं। What the power! Super! Super! नारियल फोड़ा। मां, ला दे मुझे नारियल। ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने नारियल के दो टुकड़े करने को कहा था, तूने तो इसकी चटनी ही बना दी। नहीं माँ, वो क्या? आपके बेटे के पास ना सुपर पावर है। इसने एक झटके से नारी के टुकड़े कर दिए। हाँ माँ, इतना पावर है मुझे भी नहीं पता था। पावर दिखाने के लिए मेरा ही नारियल मिला था तुझे। मेरा पावर दिखाओगे तुझे? हे भगवान, अबे दूसरा नारियल कहाँ से लाऊं? तुम जाओ अंदर, मंदिर जाने का टाइम हो गया। ये होना ही था। माँ, हवा इतनी चल रही है ना। कपूर क्यों बुझ गया पंडित जी? डरो मत, मैं अभी आता हूँ। ये लो, इस नींबू में देवी का आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो। सोते वक्त इसे तकिए के नीचे रखना, सब ठीक हो जाएगा। चलो बंटे, चलकर कार्टून देखते हैं। ये क्या? अरे बाप रे, जब घर से निकले थे तब तो सब ठीक था। ए कैसे आई? ए शुभा, शुभा जल्दी अंदर आ, ये सब किसने किया? अरे बाप रे मालकिन, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, मैं तो बाहर थी, गार्डन साफ कर रही थी। कितनी बार तुझसे कहा है दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद किया कर, कोई बिल्ली बिल्ली घुस आई होगी। नमस्कार, बैठिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, मदद कीजिए। कैसी परेशानी माँ जी? कोई बुरी शक्ति हमारे घर में घुस गई है जो हमें परेशान कर रही है। बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। रात को हमारे घर में रोने चिल्लाने की आवाजें आती है, कभी कभी एक भयानक साया झटके से सामने आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। माँ, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? राघव गोद से उतरता ही नहीं। आपने जो रक्षा के लिए नींबू दिया था, उस बुरी शक्ति ने मुझे उसे फेंकने पे मजबूर कर दिया। स्वामी जी हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चलिए इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं, है ना?
मेरे पास एक ग्रंथ है, मैं उसमें देखकर आपको उपाय बता दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव का प्रिय तीन आंख वाला नारियल, उसे आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच रखना होगा और भगवान से आपके घर की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करनी होगी। अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगेगा और उस तरफ इशारा करेगा जिस तरफ उस बुरी शक्ति का वास होगा। यह है पहला उपाय। आप जैसा कहेंगे वैसा सब करेंगे स्वामी जी। अगर ये उपाय काम में नहीं आया तो कोई दूसरा उपाय बताइए ना। अवश्य, जल्दी बताइए। खाना बनाने के तुरंत बाद उसे घर के बीचों बीच रखना होगा और उसे खाने के लिए गाय को बुलाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रहे कि अगर गाय उस खाने को ग्रहण किए बिना वहाँ से चली गई, तो आपके घर में बुरी शक्ति का वास है, ये बात तय हो जाएगी। स्वामी जी, और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ और बताइए ना। ये आखिरी उपाय है और भयंकर भी। ऐसा क्यों स्वामी जी? पहले दो उपायों से बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन आखिरी उपाय इतना सरल नहीं है। इसके प्रयोग से आप दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है। डरा क्यों रहे स्वामी जी? घर में पूरी तरह से अंधेरा करने के बाद एक दिया जलाकर घर के बीचों बीच रखिए और तुम दोनों में से किसी एक को अपने खून की बूंद दिए के पास गिरानी होगी और जल्दी से घर के बाहर जाकर दरवाजा बंद करना होगा और इंतजार करना होगा। अगर आपके घर में सचमुच किसी बुरी शक्ति का वास है तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये तो बहुत ही मुश्किल उपाय है स्वामी जी, इसके अलावा कोई शॉर्टकट बताइए ना। नहीं है माँ जी। ए बहू, तुम्हें कोई प्लान सोच के राघव को इस घर से बाहर भेजना है, ना कि इस घास पर भैंस जैसा चलना है। परेशान मत हो माँ, मैं आइडिया सोच रही हूँ। आला, कौन आ गया? आइडिया? कैसा आइडिया? पापा की बीमारी का बहाना करके मैं अपनी बहन को घर वापस भेज दूंगी। तुम्हारी बहन के जाने से हमें क्या फायदा होगा बताओ? होगा माँ, अगर वो जाएगी तो उसके पीछे पीछे देवर जी भी जाएंगे। क्या आइडिया है, क्या दिमाग पाया है, मुझे तो आज ही पता चला तेरे पास दिमाग भी है। आप लाज आशीर्वाद है। राघव इसी तरफ आ रहा है, चल एक्शन शुरू कर। आज ये दोनों इस तरह क्यों बैठी हैं? टन 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 टन। ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर क्यों बैठी हैं? इसका मुंह ईस्ट की तरफ है, उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, ऐसा क्यों? लगता है आज आपके माँ के पैर मेरी माँ ने नहीं छुए। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, मैटर छे भाभी। अरे तू गिर गया, छोड़ो। घर से फोन आया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। आपके रोने का लेवल देख कर लगता है की वो तो टपक गए। भैया अभी शहर में नहीं है। भाभी मैं क्या आपके लिए ट्रेन की टिकट बुक करके दे दूं? मैं तो जा नहीं सकती, प्रिया को भेज देती हूं। प्रिया? माँ। देवर जी तू ऐसा हाथों से कह रहे? दिल में दर्द हो रहा है क्योंकि आपके डैड बीमार है ना। वही तो मैंने बताया अभी। मैंने सुना नहीं था। माँ माँ बोल बेटा, दिल में दुखे छे। भाभी के डैड बीमार अंकल की बात सुनकर मेरे बच्चे के दिल में दर्द उठा। हाय मेरा बच्चा कितना कोमल है। कोई बात नहीं, प्रिया को साथ लेकर तुम चले जाओ। सच्ची? देखा तुमने इसके दिल का दर्द कैसे गायब हो गया। अपने साथ इन दोनों बच्चों को भी ले जाना। भाभी कबाब में हड्डी जरूरी है क्या? मैं और प्रिया जाते हैं ना। हम भी आएंगे। देवर जी, पापा इन दोनों से मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ना। क्या हुआ है? डैड बीमार है और ये रैंप वॉक के लिए निकली है। गप्पा बस, प्रिया पापा की तबीयत खूब खराब है। पापा की तबीयत खराब है? अरे अरे मुझे लगा खबर सुनकर चक्कर आके गिर जाएगी तो एडवांस में पकड़ लिया है मैंने। माँ चल चुप, थोड़ी से जाके तैयारी कर जा। सॉरी सॉरी। जल्दी जाओ, चलो जल्दी करो, जाओ जाओ तैयारी करो। माँ अभी हमें बहुत से काम करने हैं। सुनिए भाई साहब, जब हम बुलाए अपनी गाय को लेके अंदर आ जाना, तब तक यहीं रुकना, मुझे गाय से बहुत डर लगता है। मलपन मलपन।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगता है हमारे घर पे कोई भूत नहीं है। खाना खिलाने का उपाय ट्राई करते। अंदर आ जाइए भाई साहब, गाय को भी लेकर आइए। आइए आइए। खाना 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 खा लो। अब आप क्या देख रहे हैं? रोइए मत, सिर पर से पल्लू तो निकालिए और मुझे बताइए क्या हुआ। क्या बताओ स्वामी जी? स्वामी जी, मैंने इन दो आंखों से देखा, एक काला साया हमारे घर में आया करके मेरा गोल चाट गया। क्या आप उसे हमारे घर से निकाल सकते हैं पंडित जी? देखिए बहन जी, मेरे पास जितनी भी उपायों की जानकारी थी मैंने दे दी है। माँ जी चुप हो जाइए, बंद कीजिए, रोइए मत। स्वामी जी, मेरा घर उसके हवाले हो गया, उसका तो रूट क्लियर हो गया। मेरे पति ने इतने प्यार से घर बनाया था, कुछ तो मदद कीजिए। इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लगता है भूत के नाम से यही डर गए। ये क्या हमारी मदद करेंगे? क्या डर? मैंने आपकी मदद की और आप मुझे डर पर बोल रही हैं? जाइए यहाँ से। बाबा कृपा कीजिए, बाहर आइए, एक भूत ने हमारे घर में अड्डा जमाया है, कृपा करके उसे बाहर निकालिए। आइए। ओम फट स्वाहा। बाबा आइए आइए।
सुनो, कल रात को ही हमने विज्ञापन दिया और इतनी जल्दी मछलियाँ हमारे जाल में फंस भी गयी। लगता है भूत भगाने के धंधे में हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं छोटू। हाँ बॉस, और इस धंधे में ऊपर की कमाई भी बहुत तगड़ी होती है। बॉस नहीं, जबान पे लगाम। जब हम जेल में थे तब मैं तुम्हारा बॉस था, अब तुम शिष्य हो और मैं हूँ गुरु। आइए बाबा, आइए 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 बाबा आइए। अरे छोटे, हम कहाँ फंस गए? चलो चलो, लगता है आज रॉन्ग नंबर लग गया। चलो फूट लेते हैं यहाँ से। निकलो, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। सुन छोटे, जरा गौर से इस जगह को देख, ये घर मुझे भूतिया लगता है। चल यहाँ से चलते हैं। ज्यादा मत सोच, इस घर में कोई भूत वूत नहीं है। हमें बस अपने मंत्र की किताब खोलनी है, तांत्रिक होने का ढोंग करना है और मोटी रकम लेके फुटना है। जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर। तंबूरा बाजे, तंबूरा बाजे, तंबूरा, तंबूरा। ये तो म्यूजिकल मंत्र है, सभी गानों की किताब। अरे अरे, तू यहाँ भूतों को भगाने आया है या भूतों के साथ रोमांस करने आया है? पिछली बार भी तेरी वजह से हमारी खूब धुलाई हुई थी। मंत्र ही निकाल निकाल। गलती से गलत बुखार लग गई, ये सही वाली है। इसमें से मंत्र गा गा के सुनाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति तेरी संस्कृता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। बस आज तक मैं मिमिक्री करता था, आज तुमने शुरू कर दी। भाई ये मेरी नहीं, किसी और की आवाज थी। हाँ बॉस, मैंने भी वहाँ में किसी भूत जैसी चीज को देखा। मैंने भी, इससे अच्छे तो हम जेल में ही थे। मेरी जान बचा लो छोटू। तीन लोगों की जिंदगी के लिए एक जान जाए गम नहीं। कौन है वो तीन लोग? वो तीन है आई मी एंड माई सेल्फ। छोटू, मैंने तुझे मारा था, मुझे किसने मारा? इसके अंदर है। सच में इसके अंदर भूत है? चौपाटी में जाके छोड़ दूँ। पहले ही हम लोग डरे हुए, और क्यों डरा रहे हो? अब वो घर में वापस तो नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं, इसमें सेफ है, लॉक लॉक, बिल्कुल लॉक है। पंडित जी, आप दोनों के कपड़े कहाँ गए? वो सन्यासी के कपड़े देखकर भूत बाहर नहीं आता, इसलिए हम नंगे हो गए। वो हमें नंगा देखकर बाहर आया और उसने हमें चैलेंज किया। उसके बाद हमने उसके साथ WWF के 2 राउंड खेले और गुरुजी ने उसे चारों खाने चित किया। देख के तो लगता है आपके गुरुजी को चारों खाने चित हो गए। मेरे गुरुजी चित नहीं हुए हैं, ये इस वक्त स्लीप आसन में है। हर भूत फाइट की बात करते हैं। ऐसा क्या? मैंने आपको 20,000 बोले थे ना, अब मैं 30 दे दीजिए। आप जाके अंदर से घर साफ कीजिए, मैं इसे बाहर से साफ करता हूँ। गो 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 गो, जाइए। गेट अप गुरुजी, गेट अप। कंफ्यूज दिख रहा है, लगता वही घिसा पिटा सवाल पूछेगा। मैं कहा पूछा, तुमने मुझे पहचाना? बिल्कुल नहीं। सारा बाल मेरा। जिंदा बचोगे तब ना। हे गया। क्या कर ओची छेने? हो बेटा, तुम्हारा बैंगलोर प्रवास केम रहयो? एकदम सारू मां। ये लीजिए। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ सब ठीक था ना? हाँ, एकदम थ्रिलर भरा टाइम गुजरा है। माँ, राघव और बच्चे कहाँ हैं? अरे वो हमने उन्हें बहू के मायके भेजा है। बहू के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए ड्राइवर भेजा है, आते ही होंगे। जो ये लोग आ भी गया। हे माँ, आते ही माँ के पल्लू से बंद क्या? भैया अकेले चाय पी रहे, ऑफर भी नहीं कर रहे? मेहमान प्रिया, ऐसे ऑफर करूंगा तुझे नहीं। शादी के बाद ठरकी हो गए माँ? तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना? हाँ, तेरी कमी ना भूतों ने पूरी कर अच्छा? दी। हाँ। ये तुम्हारे गालों पर भूतों ने चमाट लगाया है क्या? वो भूतों का नहीं, ये तेरी भाभी का कमाल है। भाभी? अरे नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। उठो और मेरे रूम में चलो। तुम्हारे? नहीं नहीं पागल, माँ जाग जाएगी। अगर नहीं आए तो कल मैं चली जाऊंगी, फिर हाथ नहीं आऊंगी। चलो आओ। हटो, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए? पहले तो बड़ा नाटक कर रहे थे, अब छोड़ो। सॉरी वन, सॉरी टू, सॉरी थ्री, आज मैं सारी सॉरियां एक साथ। तुमने क्यों बुलाया? ए, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ से कैसे आई? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो?
आंटी देखेगी तो क्या सोचेंगी? मैंने भी तो कहा था माँ देखेगी तो क्या कहेगी, मैं तो सो रहा था, तुम मुझे यहाँ ले आई और फिर यहाँ से एग्जिट मार के बाथरूम से एंट्री ले रही हो, ये क्या काला जादू कर रही हो? क्या कहा? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई? लगता है तुम मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो गए हो। आधी रात को कोई सपना देख रहे होगे और नींद में चलते चलते यहाँ तक आ गए। ऐसा क्या? पहले तो सपनों के छोटे छोटे ट्रेलर आते थे, ये सपना तो एक पूरा फिल्म हो गया। होगा ही ना, तुम्हारा प्यार मजबूत हो लंबा जो है तो सपने तो आएंगे ही ना। अब निकलो आशु, गड़बड़ राघव, चलो यहाँ से निकलो। सच में सपना था ना? निकलो ना। सोया था तब तो सब ठीक था, ये कहाँ गया? जाओ। जा रहा हूँ ना, इतनी दूर से आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। राघव राघव मैं कह रही हूँ ना, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। एक किस दे दो ना, उसके बाद मेरा फुदकने वाला मन शांत हो जाएगा। कुछ नहीं, कल तुम्हें जाना है ना तो सुबह निकल जाना। ओके, चुम्मी अच्छी नहीं थी क्या? नहीं वो तो अच्छी थी, पर तुम्हारी उम्र कच्ची है, कल चली जाना ठीक है? तुमने जो मांगा मैंने दिया। तो क्या एहसान किया? तुम नहीं दोगी तो कौन देगा? सो जाओ, कल तुम्हें जाना है ना। फोन कर, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना, फर्स्ट क्लास जो लेके आना है। अब तुम ही बातें करती रहोगी या इनको भी थोड़ा रोमांस करने दो? ये क्या कह रही हो माँ, मुझे इससे कुछ नहीं कहना, जाने दो गाड़ी। तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं कहनी? इतने दिन से बात की, उससे पेट नहीं भरा क्या? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? भाभी इसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसकी एग्जाम से प्यार व्यार क्या है? चलो तुम्हें जाओ। मैं जा रही हूँ और याद रखना फोन नहीं करूंगी मैं। अरे राघव तुझे उसे मनाना चाहिए था ना। मनाने के लिए वो बच्ची है क्या? चल वो सब छोड़, कल तेरे भैया भाभी की शादी की सालगिरह है, हमें शॉपिंग करने चलना है। चल चल। सुन तेरा चॉइस एकदम हटके है, पहले हम भाभी के लिए साड़ियाँ खरीदेंगे फिर भैया के लिए कपड़े। चल आपको कौन सा कलर पसंद है भाभी? जो कलर देवर को पसंद वही भाभी को। देखिए भाई साहब एकदम कॉस्टली दिखाना, मेरा बेटा एकदम मालदार है। ये देख तेरी माँ की चॉइस, रोड साइड साड़ी है सिर्फ 150 की, रिच लुक है ना। चल साड़ी पसंद करना। ये कलर कैसा लगा? खास नहीं है। अच्छा ठीक है। वो लाल रंग की साड़ी दिखाना। वो सिल्क वाली भी दिखाना ना। ओह हाय दैया, वो बनारसी साड़ी दिखाना। ये वाली, वाह। क्यों
रे मेरे लाल, क्यों सारी लाल साड़ियाँ निकलवा रहा है? कामाक्षी, तुझे लाल रंग पसंद है क्या? नहीं, मुझे तो अच्छी लगी। अपनी एंटीक चॉइस अपनी बीवी को ही पहनाना। सुनिए, आप मुझे सारी लाल साड़ियाँ दिखा दीजिए, जल्दी जल्दी। यहाँ जितनी लाल साड़ियाँ सारी देखनी है, जल्दी जल्दी। हाँ, वो भी वो वाली। ए, गांडा थे गया क्या? ऐसे औरतों की तरह बातें क्यों कर रहा है? तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, मैं साड़ी ट्राई करके आता हूँ। मजाक कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी बहन जी, आपका हो गया, मुझे भी साड़ी ट्राई करनी थी। बहन जी, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ बताइए ना प्लीज। दिमाग खराब हो गया, कैसी लग रही है बोलिए ना। रुको, ये कलर अच्छा लग रहा है ना, मैं इसमें जच रही हूँ ना। सुनिए ना, बिना जवाब दिए क्यों जा रही है? अच्छी लग रही है ना माँ, बहुत दिनों के बाद पहन रहा हूँ ना, प्रैक्टिस छूट गई है, अच्छी है ना। दूर हट, डिस्टर्ब क्यों कर रही है? मैं रोज रोज साड़ी पहनता हूँ क्या? तुझे मेरी तारीफ करनी चाहिए। और तारीफ करूं? तुमने मुझे मारा? हाँ मारा। अरे लेकिन क्यों? हाँ, ये सब क्या है? हे, ये क्या पागलपन है? तुम्हें साड़ी पहनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? ये जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमने तुझे साड़ी पहनाई, क्या बकवास कर रहा है? अरे आपने नहीं पहनाई तो क्या मैंने खुद पहन ली? समझा, ऐसी बातें कर रहे हैं देवर जी। भाभी, माँ तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन कम से कम आपको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था ना। हूँ, घरे जाओ छू। आई, देवर जी का नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इतने चुप क्यों हो चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? अच्छा, बोलिए ना। मुझे माफ कर दे बस, दुकान में तूने साड़ी नहीं पहनी, मैंने तुझे साड़ी पहनाई, बस अब खुश? क्यों बंदर जैसा करके मुंह लटका के बैठा है? ठीक है, अब तुमने मान लिया है तो इतना गुस्सा नहीं आ रहा है। अरे भाभी, इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ खो गया है क्या? अरे चाचू, अरे कामाक्षी, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तुम्हें राम के पास होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही है? हाँ। वो कोई खटमल है जो यहाँ ढूंढ रही है? माँ, मैं अपनी चूड़ियाँ ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, हर जगह ढूंढ लिया। आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई, तू अलमारी में रखी होगी, जाके ढूंढ जा। हाँ, वही रखी होगी। सुनिए जी, उठिए ना। कैसी लग रही है चूड़ियां कैसी लग रही है बताओ ना, बताओ। बहुत दिनों बाद पहनी है, इनकी खनक सुनो ना। देवर जी, कैसी लग रही है चूड़ियां, कैसी लग रही है बोलो ना, बोलो ना कैसी लग रही है। तुम इंसान हो मशीन नहीं? ए भगवान, दिमाग में वही भरा है, उपकरण की तरह ऐसे सोते ही रहोगे या उठ के मेरी बात भी सुनोगे? क्या हुआ? जरा ऊपर आके देखिए आपका भाई क्या हरकतें कर रहा है। अरे मेरे भाई का दिल तुम्हारी बहन पे आ गया, वो तुम्हारे साथ कोई हरकत नहीं करने वाला। आपका भाई मेरी चूड़ियां पहनकर लड़की की आवाज में बातें कर रहा है। टूट रहा बनकर अच्छा ले, अब मैं उठ गया, अब अपने को करना क्या है ये बता। करना कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं क्या हो रहा है। चलो चल ऊपर चल, चुपचाप आओ। Thank you.
जाओ आ जाओ। कहाँ है मेरा भाई? यही था। तू गायब हो गया क्या? मैंने उसे यही देखा। चुप कर ड्रामे बाज, मैं दिखाता हूँ मेरा भाई कहाँ है। चल मेरे साथ, चल। आजा। देखो। अरे बाप रे। देखा वो यहाँ चुपचाप सो रहा है। चल। शंकर कहाँ हो तुम? ऊपर हूँ मैं, आ जाओ। हाँ भाई, सत्यवती का फोन कल से नहीं लग रहा है, पता करो कहाँ है वो। आपने ही तो कल उसे गेस्ट हाउस पर बुलाया था। मैंने कब बुलाया? लगता है कुछ गड़बड़ है, पता लगा उसका। भाभी मर गई, ये देवर जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं क्या होगा। भाभी आती हूँ, भगवान रक्षा करे। काय झाला देवर जी? भाभी मेरे रूम का गीजर काम नहीं कर रहा, मैं आपका बाथरूम यूज कर रहा हूँ। मुझे माँ के साथ बाहर जाना है, देर हो जाएगी। मुझे भी बाहर जाना है भाभी। ठीक है, आप ही पहले जाइए। वैसे रात को आप मेरी चूड़ियाँ पहन के छत पे क्या कर रहे थे? मैं छत पे था चूड़ियाँ पहन के, वो भी आपकी। किसी डॉक्टर को दिखाओ भाभी। डॉक्टर को दिखाओ? लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। कब से गए बाहर ही नहीं आ रहे। जाओ ना, लो भाभी। हमें दो मंजिल तक की परमिशन मिल गई है, तीसरे मंजिल का क्या करना है ये अब आपको डिसाइड करना है। वो तो फाइल देखने के बाद ही पता लगेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। सुनिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है, बेहोश मत हो जाइए। क्या हुआ, सीधे सीधे बताओ। आपका भाई हल्दी लगा कर नहाता है। एक मिनट में आया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? असहाय करता हूँ मैं, तुमची शपथ घेऊन सांगते ना। रात को बोल रही थी चूड़ी पहनता है, अब कह रही हो हल्दी लगाकर नहाता है, ये भी कह दो कि साड़ी पहनता है। एक और बात है, उसने साड़ी भी ट्राई की थी। जब हम शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर गए थे ना, वहाँ उसने लाल कलर की साड़ी ट्राई की थी। क्या हुआ जानू, आप रो क्यों रहे हो? रात को तो किया, लेकिन अगर दिन में काम में डिस्टर्ब किया तो मारी तो हट्टी जैसे। क्या कहा? मेरी हट जाएगी। मेरी तो पहले से हटी हुई है। हटी हुई है, अब फट भी जाएगी, घर आके बताता हूँ। कामाक्षी कांडी थई गई छे। क्या हुआ, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं ऑफिस काम करने जाता हूँ या तुम्हारी बकवास सुनने?
रात को कहती हो कि राघव चूड़िया पहनकर ऊपर मुजरा कर रहा है और आज मुझे ऑफिस में फोन करके कहती हो कि वो लड़कियों की तरह हल्दी लगाता है। मायती होता तुम्हें ऐसा बोलना, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इस हल्दी को यहाँ बाथरूम में रख दिया है श्रृंगार के सामान के साथ। वो यहाँ आएगा, हल्दी से नहाएगा, पूरी तरह श्रृंगार करेगा, तभी तुम्हारा भ्रम टूटेगा। अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। मेरे भाई के बारे में एक और शब्द कहा तो? ए, उसे मत मार, रुक जा। बहू बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी शादी की सालगिरह की शॉपिंग करने जब हम गए थे तो तेरा भाई पूरे दुकान की लाल साड़ियाँ निकाल निकाल कर पहन पहन के देख रहा था। जब मैंने एक रख के दिया तो मुझे से पूछता है, मैं क्या मैनिक्विन हूँ जो मुझे साड़ी पहना रहे हो? अरे वो मस्ती कर रहा होगा। अरे हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था। उसके नहाने के बाद कामाक्षी ने मुझे बाथरूम दिखाया, पूरा बाथरूम हल्दी से भरा था, पूरे घर में हल्दी से बने पांव के निशान थे। तुम इसे मस्ती समझ रहे हो? इस वक्त कहाँ है वो? खबर न थी। वापस कब आएगा? पन खबर न थी। मर्द कभी हल्दी नहीं लगाता, ऐसा किसी घर में नहीं होता। पर यहाँ गलत होता। बंद कर तारू कचकच। अरे आने दो उसे। एक बार तुम्हारी ये हल्दी वाली थ्योरी गलत साबित हुई फिर तुम दोनों की मिलके क्लास लूंगा मैं। बस राघव को घर आ जाने दो। तुम्हारा होमवर्क हो गया? हाँ हो गया। सुनो राघव, कहाँ गए थे? बाहर गया था। बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ खाया? नहीं। जाओ नहा लो फिर खाना खाएंगे। देवर जी, आपके बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे बाथरूम में जाके नहा लीजिए, कल गीजर ठीक करा दूंगी। ठीक है। चटनी कहाँ है? सुनिए जी, जाइए ना, जाइए आप भी। मुझे ये चाहिए। बच्चों खाना खा के कमरे में चले जाओ। जरूर लगाएगा, मल मल के नहाएगा। उठिए अपनी आंखों से देखिए, चलिए। ये बिना रिंगटोन के वाइब्रेट हो रहा है। एक गांडा हिल कम देख रहा था। घाबरो ना का। देख लिया ना? क्यों, सच्चाई देखते ही पैर कांपने लगे क्या? तुम सही कह रही थी कामाक्षी, उसने हमारे कुल की इज्जत हल्दी में मिला दी। जब मैं आपको फोन पे सच्चाई बता रही थी आप मुझ पर चिल्ला रहे थे, अब आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। लगी तो नहीं? चल निकल यहाँ से, मुझे देखने दे। आजा। कैसे चढ़ूं? माँ, बच्चों खाना हो गया ना? चलो अब रूम में जाओ और अपना होमवर्क करो। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट चाचू। बाय, जल्दी सोना। गुड नाइट भाभी। एक चिकन का पीस दो ना। लो ना। जल्दी आप होने। हाँ बस 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 बस, बहुत हुआ बहुत हुआ बस। क्यों मेरा राघव नौटंकी में हिस्सा ले रहा है क्या? क्यों भैया, ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है तू? जरा मुझे एक बात बताइए भैया, सुबह भाभी कह रही थी कि मैं उनकी चूड़ियां पहनकर छत पर घूम रहा था, अभी आप पूछ रहे हैं कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ? मैं जो कर सकता हूँ। तुझे क्या लगता है हम यहाँ पर पागल बैठे हुए हैं? पैरों में हल्दी क्यों लगाई है? नहीं नहीं, आप छुपा क्यों रहा है? घूर क्या रहा है मुझे, जवाब दे। मुझे नहीं पता। तो क्या पैर में हल्दी अपने आप लग गई? भैया के सवाल का जवाब दे जल्दी। अब बोलना, चुप क्यों बैठा हुआ है? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहा है तू। तुझे अपने चेहरे पर हल्दी लगाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम सब ने तेरी नौटंकी देखी है। माँ झूठ बोल रही है क्या? ए, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? ये सब क्या नौटंकी चल रही है? हाथ हटाओ। राघव क्या हुआ भाई? पता चल गया? है? आखिर पता चल गया, तुम सबको पता चल गया। खैर छोड़ो। क्या मतलब छोड़ो? राघव तुझे हुआ क्या है? औरतों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? हाथ हटा अपना। साफ साफ बता, तूने हल्दी क्यों लगाई है? हाथ छोड़ो। क्या मतलब हाथ छोड़ो? पहले तू मुझे ये बता के तूने हल्दी क्यों लगाई है। मैंने कहा जवाब दे राघव,
जवाब दे, मैं कह रहा हूँ जवाब दे, कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू राजा? क्या रे तुम मुझे छुएगा? ये क्या हो गया? उठिए। मुझे छू रहा था, क्यों अब छू ना? अब छू के दिखाना, छू ना हाँ? मुंह टेढ़ा करके क्यों बैठा? छू ना, छू। हाँ? मुझे हाथ मत लगा। चल जा, वरना तुझे भी टेढ़ा कर दूंगी। मुझे छूने की तूने हिम्मत भी कैसे की साला कमीना? अब तुम ही बताओ ना, अगर कोई आदमी तुम्हें छुएगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने उस पे गुस्सा करके ठीक किया ना? ठीक है। हाँ, हल्दी क्यों लगाई? बार बार पूछ रहा था। अब औरत हल्दी नहीं लगाएगी तो क्या तू जैसा सांड लगाएगा? बोल ना कमीने। ऐसे पड़ा है जैसे सांप सुन गया हो। खाना किसने बनाया? मैंने पूछा खाना किसने बनाया? मैंने टेस्टी है। मुसलमान उर्दू में गुफ्तगू नहीं करेगा तो तमिल में करेगा क्या? तमिल में बात करेगा क्या? एक अरसे के बाद खा रहा हूं, फिर से दखल अंदाजी की तो घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? बेटा क्या हो गया तुझे? लजीज, बेहद बेहद लजीज। खा ले बेटा। अरे ओ मोहतरमा, बाबू तेरी क्या दावत है, क्या खाना है? अरे वाह, पेट भर गया। क्या खिलाया मुझे? मसालेदार चिकन था, मलाई डाल के। दिल खुश कर दिया। उर्दू में सलाम। थैंक यू। पेट भर गया। दिल भर गया। मैं खुश, बहुत बहुत खुश हो गया। हे हे बेटा, आराम से खाओ। हलवा, ये सब मेरे लिए है। ये है टिक्कन 65। मैं 62। चिकन पीस है, ये चिकन पीस है। चिकन बनाना था मुझे। माँ, मैं ये चिकन पीस यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ जाके उस कोने में बैठ के खाऊंगा। चेतक बाला।
कौन चेतक? अब्बा क्या बेटे? सुसु आई है। चिकन खा के सुसु करने जाऊं या सुसु करके फिर चिकन खाऊं? सुसु करके खा ले बेटा। तो पहले जिप खोलो ना, मैं खोलूंगा तो अटक जाएगी। धीरे धीरे अब्बा धीरे। हाँ हो गया, मैं जाके आता हूँ अब्बा। अब्बा रास्ते में कोई मोटा सा आदमी जो रहा है। ए मोटू हट। ए रोती क्यों है? ए ए मुंह बंद कर ना। पहले बोल ये कौन है? मेरे पति। तू इतने सपोर्ट कर रही है? जा 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 तू ऊपर जा। तुझे भी ऊपर जाना है क्या? सुपर सुपर। मुझे नीचे उतारो प्लीज, मुझे नीचे उतारो। तू इतना चिल्ला ली क्यों है? मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। डर लग रहा है ना, लेकिन नीचे उतार लूंगा तो तू मोटू को सपोर्ट कर लेगी ना? नहीं नहीं जानती। अच्छा तो फिर नीचे आ जा। देवर जी थैंक यू वेरी मच, मुझे माफ कर देना। जाओ जाओ उधर जाओ। और तुम? मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है आंटी। अब मैं सुसु करने जाऊंगा। अटैक। हाँ जु 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 जु। हाँ। चिकन तू यहाँ बैठ। ओके ए इधर आ। अब्बा मेरा पेट है ना एकदम फुल हो गया, बहुत खा लिया। हाँ ए चेतक अभी वापिस जा जा। ये आंटी तो हर चीज से डरती है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बोलती है ना तू। सुनिए इसने मेरी चूड़ियां पहनी, इसने मेरी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, फूल लगाया, उपटन लगाया। अब अगर चुगली की ना तो मैं तुझे काट के रख दूंगी। मैं जरूरी काम करने आई हूँ और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक अगर तूने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की ना तो। समझ गई ना? तो मुंह बंद रखने का, मैं चलती हूँ। इसे डॉक्टर को दिखा देना। मेरा एक बेटा बेहोश हो गया, एक बदहोश हो रहा है। प्रिया जल्दी से अंदर बैठो, बैठ जाओ। हाँ मैं बच्चों को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, प्लीज उनका ख्याल रखना। ड्राइवर के साथ भेज रही हूँ। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जैसी ठीक हो जाएगी मैं इन्हें बुला लूंगी। और सुनो राघव जाते वक्त तुमसे जैसे बात कर रहा था ना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। त्याचा वर राघव नकोस। दीदी छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। वो बेचारा निर्दोष है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पता है ये सब तो वो माया उसे करवा रही है। मतलब उसकी जिंदगी में कोई माया नाम की लड़की है? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रही हो वो माया नहीं है। दीदी क्या कह रही हो? कल हम उसे दरगाह पर लेकर जा रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दरगाह क्यों? देखो तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मुझे दो दिन दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। ठीक है? ठीक है। बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे तो मुझे फोन करना। राघव ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ तुम बच्चों का ध्यान रखना, उनके पहुँचते ही फोन करना। कहना मैं उसे याद कर रही हूँ। बराबर फोन के होते। राघव पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। रात भर से तूने मुझे इस तरह बैठा के रखा है, पेट की टंकी फुल हो गई, बाथरूम तो जाने दे। एक मिनट भी मुझे अकेला छोड़ा तो तुम मेरी माँ नहीं हो। दुनिया थोड़ी छोड़ के जा रही हो, मैं तो सिर्फ बाथरूम जा रही हूँ। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम दोनों मुझसे? मुझे राघव की भूतिया पंती से डर लगता है। क्यों डरा रही हो? मैंने सुसु अहिया थी गयी तो माफ करना, गलती हो गई। आप दोनों डर के यहाँ बैठे रहोगे तो देवर जी को दरगाह कौन लेके जाएगा? चलिए उठिए ना। दरगाह राघव को मैं नहीं ले जाने वाला। मैं ही चलती हूँ, वैसे भी सारी रात यहाँ बैठे बैठे मेरे पैर भारी हो गए। मैं घर में अकेला नहीं रहने वाला। कामाक्षी राघव के कमरे में तू चली जा, मैं बाथरूम होकर आती हूँ, तब तक तू उसे बाहर लेकर आ जा। मेरी हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए ना। ये दोनों मेरी किडनी फेल करा कर ही चली आएंगे। कैसी बहू मिली है, तू उस तरफ से आ जा। दरगाह जाने के लिए तैयार हो जा बेटा। भागो तू बाहर ना आ जाए। तू बुला मेरा बेटा। नहीं नहीं तू बुला, आप बुलाइए। राघव बेटा, राघव।
खाना नहीं खाया क्या? जोर से चिल्लाओ ना। लाला! मम्मी तुम्हें चलो ना साथ माँ, मुझे अंधेरे में डर लगता है। डर क्या होता है, हमसे पूछ। भैया ने चेहरे पर इतना बेहुदा मेकअप क्यों लगाया? बुरी नजर से बचाने का टीका है। इसने रात को भूत का सपना देखा था। भूत का सपना? हाँ, डर से रात भर सुसु करने भी नहीं गया। अब इसे ठीक करने के लिए हम दरगाह लेकर जा रहे हैं। चलो ना। हाँ चलूंगा माँ, मेरा बदन दुख रहा है, जैसे 10 लोगों ने मेरी पिटाई की हो। तुमने कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बहुत तुमने सुनी थी क्या? सुनी थी। तो तुम चल रहे हो? हाँ, ना चलो। चलिए अभी जा। पता नहीं कौन सा साया हम पर फिर गया है। अभी से क्या हो गया? नहीं, वो मैं टायर चेक कर रहा हूँ बस। चल बेटा। हाँ सब ठीक है, चलो चलो। आप लोग अंदर चलिए, मैं फूल वगैरह लेके आता हूँ। बेटा आ, इसे छूकर दुआ ले ले। आ आजा जल्दी। आजा, मैंने कहा अंदर आजा। कभी नहीं। दूर रहो। डर के भाग गया ना? आज भाग गया, पर मैं जानता हूँ तुझे कैसे पकड़ना है। क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? शैतान डर के भाग गया। अच्छा हुआ बाबा ये वापस तो नहीं आएगा ना? जैसा कहता हूँ वैसा करो। थैंक यू, कम ऑन डार्लिंग। अब और इंतजार नहीं होता। चलो जल्दी रूम में चलते हैं। सब क्या हो रहा है? डर गई क्या? हाँ। वायर का कनेक्शन लूज हो गया होगा। डार्लिंग ये देखकर तो मैं भी डर गया था। Ah!
कौन थे वो सब? देखा नहीं, बाप थे मेरे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। निकल, भाग ऐसे। मरो अकेली यहाँ पर। शीला, अकेली जाएगी क्या? ए, मुझे भी साथ लेके चल, डर लगता है मुझे। तो उठो जल्दी। लगता है वो लोग चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान भाग जाए यहाँ से। ये तेरा ठिकाना नहीं, जहाँ से आया था वहीं चले जा। वो आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो पापा? दरगाह में कोई काम नहीं है? वहां नमाज पढ़ने के बजाय यहाँ मेरा तमाशा देखने आया हूँ। इस तरह क्या घूर रहे हो? सोच रहे हो दरगाह से डरकर भाग गई तो यहाँ बिंदास कैसे आ गए? हे, वो तेरा इलाका था और ये मेरा इलाका है। मंत्र बोलना बंद करो, मंत्र बोलना बंद करो। मैंने कहा ना मंत्र बोलना बंद करो। ए, तेरा नाम सलीम भाई है ना? तू डोंगरी नाका के पीछे वाली गली में रहता है और तेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई है, आज उसकी सुहागरात है ना? सुहागरात के लिए वो सच धज के बैठी होगी। अगर तू चाहता है उसकी रात अच्छे से गुजरे तो मंत्र पढ़ना बंद कर, वरना उसकी सुहागरात सबके सामने करवाऊंगी। तुझे देखना है क्या? या अल्लाह मेरी बेटी। बेटी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। शैतान तुम्हें बहका रहा है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। नहीं नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, ऐसा मत करो। या अल्लाह बचाओ, ऐसा मत करो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। या अल्लाह रहम करो, छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या रे, तू अभी तक गया नहीं? नहीं, नहीं, मैं जाता हूँ। पापा, पापा, कहाँ जा रहे हो? क्या देख रहा है? उधर भी मैं हूँ। इधर भी मैं हूँ, है? अच्छा है ना? निकल जा, उठो। मैं इसी तरह से हूँ। लौट जा शैतान। क्यों मियां? लौट जा, तू जहाँ से आया था। तुम्हें क्या यहाँ से निकलने के लिए खास न्योता देना पड़ेगा मुझे? चल निकल। मैंने कहा निकल जा। तूने इन दोनों को भगा दिया, पर मुझे नहीं भगा पाएगा। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, वरना इस पाक पानी से तू नहीं बच पाएगा। बुरा हुआ, ये पानी मुझ पर मत डालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो राघव के शरीर को छोड़कर बाहर निकल। नहीं निकलूंगे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। राघव के शरीर को छोड़कर जल्दी बाहर निकल। निकल, निकलती हूँ, निकलती हूँ, निकलती हूँ, निकलती हूँ। तुम लोग वहाँ छुप के क्या कर रहे हो माँ? मैं थक गया हूँ, तुम यहाँ आओ। अरे जल्दी से इधर आ जाइए। भूत है, जल्दी आ। भूत? तो यार। मामा, भूत है, भूत है, मामा, भूत है। अब कोई सामने मत आना। रोना बंद करो। कौन हो तुम? जवाब दो। जवाब नहीं दोगी? बताती हूँ, सच बताती हूँ। मेरा नाम कंचना है।
छेड़खानी करता है। गीता क्यों रे, जब ये रास्ते से गुजरती है तो इसे छेड़ता है, गंदे कमेंट पास करता है, कहता मेरे साथ सोने चलती है क्या? अब क्या हुआ? हमारी तरह होने के बावजूद ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन तुम जैसे हवस की भेड़िए हम लोग को भी नहीं छोड़ते रे। तेरे जैसे लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं। अब नहीं माँ, बताती है क्या करती है। ऐसा मत करो माँ। ये ले रे। नहीं माँ, रुक जाओ माँ, हट जाओ माँ। नहीं माँ, आप तो मेरी कसम से छोड़ दो माँ। अंजना रुक जाओ, पत्थर नीचे फेंको। सुना नहीं तुमने, मैंने कहा पत्थर नीचे फेंको। इसे मार कर क्या जेल जाना है तुझे? अक्का जिंदगी में किसी का कहना नहीं माना, बस रहीम चाचा का ही कहना माना। माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता कमीने? तेरी वजह से हम बर्बाद हो गए। घड़ी पहनने को कहा तो चूड़ियाँ पहनता है, पैंट पहनने को कहा तो स्कर्ट पहनता है, सारी हरकतें लड़कियों जैसा करता है तू। तुझे पैदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती है, निकल जा यहाँ से। बाबा आप इस तरह से मुझे मत मारा करो। मैं खुद को बदलने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं बदल नहीं पाती। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही ऐसा है। और बाबा मैंने इंटरनेट पर भी पढ़ा था, ऐसी हरकतें हॉर्मोन्स की वजह से होती है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बाबा, मुझे घर से मत निकालिए। मुझे साइंस सिखाता है, मुझे सिखाता है। निकल, निकल जा यहाँ से, निकल। जैसे ही पता चला कि मैं इजड़ा हूँ, माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। उनको कैसे समझाती कि ऊपर वाले ने ही मुझे ऐसा बनाया। जब भूखी प्यासी सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी तब रहीम चाचा ने मुझे सहारा दिया। भूख लगी है क्या? वो ना ही मेरे परिवार वाले थे ना ही मेरे रिश्तेदार, पर भूखे बच्चे की दिल की आवाज सुन ली, वो मुझे अपने घर ले गए। पापा। हाँ? बम 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 बम। पापा जो चुचू आई है चेन खोलो ना। खुद ही खोल लो। ना ना मुझे खुल ही नहीं रही है। अरे ले। जाओ। पापा मैं इस पे एबीसीडी लिखूं? हाँ लिखो लिखो। क्या देख रहा है तू? यही ना कि ये घर में सुसु क्यों कर रहा है? ये हमारी तरह नहीं है, दिमाग थोड़ा कमजोर है। तो खाना खा। हाँ लेना खा। ए तू रो क्यों रहा है? और फिर मैंने रहीम चाचा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। आज के बाद तू कभी नहीं रोएगा। तेरे दाएं शरीर में शिव है और बाएं शरीर में शक्ति, यानी तू तो चमत्कार है, तू अर्धनारीश्वर है। नाम क्या है तेरा? कार्तिक। आज से तेरा नाम कार्तिक नहीं, कंचना। कंचना। रहीम चाचा और उनका बेटा तो सोने चले गए, पर मैं पूरी रात जाकर हमारे खोखले समाज के बारे में सोच रही थी, जो हमारे जैसे लोगों को समाज में अपनाने से डरते हैं। ये सच है कि समाज हमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि हम भीख मांगते हैं और दूसरे बुरे काम करते हैं। इसलिए मैंने टाल लिया कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगी। जिसने मुझे रहने के लिए घर दिया उसे मैं कैसे कहती कि मैं पढ़ना भी चाहती हूँ? पर मैं उस कृष्णा को पढ़ाना चाहती थी जो मेरी तरह ही था और घर से निकाला गया था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। रहीम चाचा ने भी उसे सहारा दिया और उसे गीता नाम दिया। रहीम चाचा जैसे लोग अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। उन्होंने गीता को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया, पर हिजड़ा होने की वजह से कोई भी स्कूल गीता को एडमिशन नहीं दे रहा था। अगर हमने ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया तो हमारा स्कूल बदनाम हो जाएगा, फिर कोई अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं करवाएगा। सर गुरु तो भगवान का रूप होता है। मैं चाहता था कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, पर मेरे किसी ने साथ नहीं दिया। इसका भी सपना एक डॉक्टर बनना ही है। मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया लेकिन आपकी वजह से उन्हें हम पर तरस आ गया और उन्होंने गीता को स्कूल में एडमिशन देने की मंजूरी दे दी। संसार में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं। गीता ने खूब मेहनत की, पर जब गीता फाइनल ईयर में थी तो स्कूल से फोन आया जिसे सुनकर हमारे सपने हकीकत में बदल गए। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा। जब गीता पहली बार मेरे पास आई तो मैंने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया था। मैं सोचता था कि कोई किन्नर हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारा स्कूल बदनाम हो जाएगा, यहाँ कोई एडमिशन नहीं लेगा। पर आज उसी गीता ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आज इसी गीता की वजह से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी किन्नर ने मेडिकल में टॉप किया है और स्कॉलरशिप पाई। आज हमारे स्कूल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। इसकी वजह सिर्फ हमारी प्यारी गीता ही है। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू गीता, गिव हर अ बिग हैंड। गीता के इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ कंचना का है। अगर उन्होंने मुझे गीता के एडमिशन के लिए नहीं मनाया होता
तो हम गीता जैसी होनहार स्टूडेंट को खो देते। आगे की मेडिकल शिक्षा के लिए हम गीता को विदेश भेजेंगे ताकि वो डॉक्टर बन सके। अब मैं गीता को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा ताकि वो आपसे दो शब्द कहे। आ जाओ गीता। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, माय स्कूल प्रिंसिपल एंड माय टीचर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा सपना साकार होने जा रहा है और इसकी वजह है सिर्फ मेरी माँ। माँ स्टेज पर आओ। आप सबको नमस्कार। दुनिया में विनम्रता और शुक्रिया अदा करना मानवता का प्रतीक है। आज मैं यहाँ तीन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज मैं और गीता आपके सामने खड़े हैं तो उसकी पहली वजह है सामने बैठे रहीम भाई। उन्होंने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। मैंने खुदा को कभी नहीं देखा लेकिन उनके रूप को देख लिया। गीता को अगर स्कूल में एडमिशन नहीं मिला होता तो आज वो यहाँ नहीं होती। उसे स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजने के लिए मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिर में मैं गीता का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरे सपनों को साकार किया। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की है। किन्नर, हिजड़ा, छक्का लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब दुनिया भर में हमें समाज में जगह दी गई है तो खुद के घर में क्यों नहीं। बचपन में मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया गया था। अपने खुद के संतान होने के बावजूद मुझे सड़क पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अगर उन्होंने मेरा साथ दिया होता, मुझे अच्छी तरह समझा होता तो आज मैं भी एक डॉक्टर होती। मेरी क्या गलती थी? सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी, जुआ खेलती थी या नशा करती थी? अगर ये सब करती तो गलत था, लेकिन पैदा ही ऐसा हुई तो उसमें मेरी क्या गलती है? गीता को भी घर से निकाल दिया गया था, आज उसने नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, दुनिया में हमारे जैसे कितने लोग हैं जो किन्नर थे, फिर भी उन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से नाम कमाए। चाहे कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल वर्कर्स, दुनिया में ऊंचे मकाम पर हैं। हम किन्नर किसी से कम नहीं है। सुपर! आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपकी औलाद भी मेरी तरह है तो उसे कभी अनाथ मत बनाइए। उसकी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, उसे भी एक आम बच्चे की तरह ही प्यार कीजिए। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूं तो माफ करना, माफ करना। जीती रहे बेटी। गीता, दिन रात मेहनत करके, लोगों के घर में बर्तन साफ करके, छोटे मोटे काम करके मैंने 2.5 लाख रुपए तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किए। अब तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है तो तुम इन पैसों का जो करना चाहो कर सकती हो। मेरा भी एक सपना है माँ। क्या बेटी? जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटूंगी तो मैं गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। बड़ा नेक ख्याल है बेटी, फिक्र मत कर। इन पैसों से मैं जमीन खरीदूंगी जब तू डॉक्टर बनकर वापस आएगी, तब हम अस्पताल बनाकर गरीबों का मुफ्त इलाज कराएंगी। देखना गीता, हमारा सपना सच होगा। हाँ, मैंने गीता के सपने को पूरा करने का ठान लिया। कुछ ही दिनों में मैंने जमीन खरीदी और ये खुशखबरी मैंने गीता को बताई। वो बहुत खुश हुई। मैं भी खुश थी कि जल्द ही मेरा भी सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन तभी कंचना, तुम्हारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। कंचना, हरामी, जाके देख जरा। हाथ लगाता है मुझे। आजा, तेरा इंतजार कर रही हूँ।
क्या बच्ची हूँ जो मुझे गोद में उठा लिया? सामने से आ, मुझे मत मारो, एमएलए शंकर ने भेजा। मेरी जगह हड़पेगा। तो एमएलए शंकर तू है, दिमाग नहीं है हरामी? इतनी मेहनत करके मैंने जमीन खरीदी, किन्नर की जमीन छीनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? साला बेशरम, ए कंचना का रास्ता रोकने वाला तू कौन है रे? दफा हो। ए उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहीं का। तुमने कहा था कि कंचना एक औरत है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो किन्नर है। जानता है कितना बड़ा पाप किया है हमने? अगर इनका शाप हमें लग गया तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। आपने ठीक कहा, हमें इनका शाप नहीं चाहिए। आप इन्हें इनकी जमीन अभी वापस कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब कुछ इसी के लिए किया था। अब जब ये खुद वो जमीन लौटाना चाहती है तो मैं बीच में टांग क्यों अड़ाऊं? आज के बाद मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। गुस्से में आकर मैंने खामखा मारपीट कर दी। आप इतने भले इंसान होंगे, मुझे क्या पता था? हो सके तो माफ कर देना मुझे। ये कागजात रख लीजिए। सॉरी जी। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। कैसे इन सब ने हमारी जमीन छीन ली? जब मैं यहाँ आई तो रहीम भाई, इन्होंने जमीन वापस करने का नाटक किया। रहीम भाई, ये लोग इंसान नहीं, शैतान है। तुम्हें लगा ये सब सच है? नहीं, हम तो खेल रहे हैं। सच कह रहे हो? हाँ, सच में खेल रहे हो। तुम भी खेलो चोर पुलिस वाला खेल? मुझे चोर पुलिस खेल में बहुत मजा आता है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास बंदूक भी है। अच्छी है ना? अच्छी है। अब ऐसा करो, पहले मुझे गोली मारो, खुद को गोली मार देना। ठीक है, खेलने में मजा आएगा ना। चलाओ गोली मारू। चलाओ, घबराओ। चलाओ, मैं तो मर गया। खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। खुद को गोली मारो। ठीक है, मैं मारता हूँ। मारो, मजा आ रहा है। कंचना, खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मारो मारो, घबराओ मत, खेल। मैं मार रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगी। हे
भाई, इन तीनों लाशों को समंदर में फेंक दूं? पागल हो क्या? किनारे पर लग जाएंगी तो पुलिस केस भी हो सकता है। बेचारी कंचना, खून पसीने की कमाई से वो जमीन खरीदी थी। इन सबको वहीं पर दफना दो। वैसे भी काम शुरू होते होते इनकी लाशें मिट्टी में मिल जाएंगी। कहते हैं जहाँ किन्नर को दफन किया जाता है वहाँ घर बनाना बड़ा शुभ होता है। उन्होंने उस जमीन में हम तीनों को दफना दिया जो मैंने मेहनत के पैसों से खरीदी थी। मेरे सपने जुड़े थे उस जमीन से। अब तुम ही कहो ये कहाँ का इंसाफ है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है पर मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता। अल्लाह पर एतबार करके ये लोग मेरे पास आए हैं। अगर तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूं तो इंसानों का हम पर से एतबार उठ जाएगा। इसलिए अब चुपचाप इसके अंदर आ जाओ। आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आज पूनम की रात है। आज मुझे किसी भी तरह शंकर को खत्म करना है, तभी गीता को वो जमीन मिल पाएगी। वो वहां अस्पताल बनाएगी जिससे लाखों लोगों का मुफ्त इलाज होगा। शंकर के मरने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मुझे मुझे थोड़ी मोहलत दो, थोड़ी सी मोहलत दो। ऐसे नहीं मानोगी? नहीं, मुझ पर पाक पानी मत फेंको। नहीं नहीं, आती हूँ आती हूँ, मैं आती हूँ। मैंने कहा अंदर आ। राघव को यहाँ लेकर आओ। जा बेटा, जा, बाबा बुला रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना माँ, मुझे नहीं जाना। तेरी वजह से आत्मा यहाँ आई। अगर उस मनहूस जगह पर क्रिकेट खेलने नहीं गया होता तो वो यहाँ नहीं आती। चल। माँ, आ जा बेटा। भूत बाहर तो नहीं आएगा ना? शैतान बला को दूर कर। ये तावीज उसकी कलाई पर बांध दो। मैं इसे समंदर में फेंक कर आता हूँ। तब तक इसके हाथ से ये तावीज निकलना नहीं चाहिए, समझे? अगले 3 दिनों तक ये बंधा रहेगा, वरना शैतान के वापस आने का खतरा रहेगा। संभल कर रहना, चलता हूँ। जा शैतान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं शंकर। स्वामी जी, एक एक करके मेरे सारे आदमी मारे जा रहे हैं। आपने कहा था आप ये समस्या सुलझाएंगे। मुझे सपना आया कि पूनम की रात को कोई मुझे मारने वाला है। आज पूनम की रात है इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। तुमने किन्नर और उसके परिवार को मार डाला है। उसकी आत्मा ने किसी इंसान में प्रवेश करके तुम्हारे साथियों को मार डाला और वही आत्मा अब तुम्हें भी मारेगी। रक्षा कीजिए स्वामी जी। अगर तुम बचना चाहते हो तो जो उपाय बताता हूँ उसे तुम्हें करना पड़ेगा। जी स्वामी जी। उस आत्मा से बचने का बस एक ही रास्ता है। आज रात को समंदर किनारे सारे किन्नर इकट्ठा होंगे। वो अपनी बिरादरी से किसी एक को देवी चुनेंगे, अग्नि कुंड प्रज्वलित करेंगे, उसके चारों ओर नाचेंगे गाएंगे और देवी से अपनी सारी पीड़ा हरने को कहेंगे। उन सभी किन्नरों के जाने के बाद तुम उन तीनों लाशों को लेकर वहां पर जाओ और पवित्र अग्नि में डाल दो। लाशों के जलते ही अग्नि के प्रभाव से आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। जाओ जल्दी से लाशों को बाहर निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी निकालो, जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी बाहर निकालो, जल्दी को। चलो जल्दी करो, संभाल के। इस दुनिया में कोई नहीं जो हमें न्याय दिला सके। हे भगवान, आज तो चैन से सोऊंगी। पहले तो सारे भूत प्रेतों को घर में फ्री इनविटेशन देने के बाद में टेंशन दिया और अब ऐसे गुमसुम बैठा है जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। राघव, सु बिचारे छे डिकरा, और भूत प्रेतों और आत्माओं को इस घर में पेइंग गेस्ट बनाकर लेकर आना चाहते हो? नहीं ना, तो चलो अब चुपचाप सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। माँ, अब क्या हुआ? कंचना की कहानी इमोशनल है ना? तो अब क्या करने का इरादा है? अरे बार बार इस तावीज को क्यों घूर घूर के देख रहा है? एक बात समझ ले, समाज सेवा करनी है तो जिंदा लोगों के लिए कर, आत्माओं के लिए नहीं। गलती से भी इस तावीज को मत निकालना, मुझे आत्मा के हाथ के गरम चाटे नहीं खाने। मम्मी, एक सवाल छे जवाब दोगी? सूचे डिकरा, अगर कंचना हमारे परिवार की होती और उसके साथ ऐसा होता, उसे कोई मार देता, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करती? जरूर करती ना, पर वो तो आत्मा है।
लेकिन तू तावीज मत निकालना। नहीं नहीं नहीं, मेरा अच्छा बच्चा नहीं, नहीं, तावीज नहीं निकालेगा ना। सुई जा, चल सो जाते हैं। मम्मी वाला प्रॉमिस ना। हाँ कहाँ ना माँ। चल। ए, गाड़ी जरा तेज चला। वो हमें ले जा रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे राघव? नाम है तेरा? कंचना। यहाँ क्यों आई है? पुराना हिसाब चुकता करने। हमारी मदद की जरूरत है? नहीं। घटना घटेगी, निकल लो यहां से। भाई वो लोग चले गए, चलो बाहर निकलो, अग्निकुंड की तरफ ले चलो, चलो जल्दी करो। जल्दी चलो, चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अग्निकुंड में डाल दो, जल्दी। कंचना वापस आ गई, चलो भागो भागो भागो, चलो भागते रहो, चलो चलो। हे
कंचना, इसको तो मैं मारूंगा, हाँ, ठीक? अंदर गया इंसान और बाल आया कंकाल, चल जा। हे, इस गाड़ी का ड्राइवर कहाँ? उसको तो जमीन में दबा दिया। और इस गाड़ी का ड्राइवर? उसकी तो गर्दन मरोड़ दी। कहीं कहीं। अरे, चलो, भागो, निकलो यहाँ से, भागो। हे, भाग के कहाँ जा रहे हो? थोड़ा टाइम रुक जाओ ना। क्यों? मैं तुम्हें मारूंगा ना। जा, मैं नहीं रुकता। ए, चोड़िया, मैंने तेरे को रुकने को कहा ना। अरे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? जिसके पीछे मौत पड़ी है वो रुकता है क्या कभी? तुम सबने मिलके मुझे मारा था ना। आज फिर से मारूंगा। मेरे बेटे को मारा था? बेटा, इसे मार दे बेटे। घबराओ मत अब्बा, मैं इसे देख लूंगा। जा दिया, अंकल के दो टुकड़े हो गए। यहाँ पर हूँ मैं। क्या देख रही? हाँ, हिम्मत है तो अंदर आके दिखा। जानता हूँ तू अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि ये भगवान नरसिम्हा का मंदिर है। आ, आके दिखा। अगर आएगी तो जलकर राख हो जाएगी। आजा, आजा, हाँ, आजा, हाँ। तुम कहते हो धर्म की जीत होती है, ये है तुम्हारा इंसाफ। पाप करने वाला अंदर है और वो किन्नर जिसने कुछ नहीं किया बाहर खड़ा है। मैं अंदर आ रही हूं। अगर अधर्मी की रक्षा करनी है तो मुझे चला देना तुम। अगर धर्म को जिताना हो तो मेरे लिए रास्ता बना नरसिम्हा, रास्ता बना। तुझे कौन बचाएगा? मुझे मत मारना। नहीं नहीं, मैं 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 मुझे छोड़ दे जना, मैं तेरे पास पड़ता हूँ। नरसिम्हा, मैं इसे यहाँ नहीं मारूंगी। जानते हो क्यों? तुमने मुझे इस पवित्र जगह में आने दिया, तो फिर इस पापी के खून से मैं तुम्हारे इस मंदिर को अपवित्र कैसे करूं? मैं इसे बाहर ही मारूंगी। हाँ, तुझे वैसे ही मारूंगी जैसे नरसिम्हा ने मारा था। हाँ।
राघव ने कंचना की मदद की, इसलिए जब भी राघव मुसीबत में होता है कंचना उसकी मदद के लिए चली आती है। राघव ने कंचना का हॉस्पिटल बनाने का सपना भी पूरा किया। अरे रुको रुको रुको, अपनी आंखें बंद करके फिर बाहर निकलो। आओ आओ आओ, आप देखो कंचना हॉस्पिटल, अच्छा है ना ये? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपकी वजह से इसका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अरे, अरे? मेरी माँ के सपने को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। सब ऊपर वाले की मर्जी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सारे किन्नरों को अपने सपने साकार करने चाहिए। यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, तुम बस सबकी सेवा करो, ऊपर बैठी कंचना बहुत खुश होगी, यही मेरा आशीर्वाद है। ये सबके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, बस मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है। पर मैं भी इसे अपने पास बुलाना जानती हूँ। मम्मी बचाओ, मर गयो, मर गयो। तुम्हें मेरी कमर मिली थी चढ़ने के लिए, आसपास देख तो लिया होता। किसी और की कमर पर चढ़ने की मुझे परमिशन कहाँ है? नीचे उतरो। ए साढ़े, किससे पूछकर ये अस्पताल बनाया? किससे पूछना चाहिए था? मुझसे और किससे? मैं उससे पूछकर बताता हूँ। किससे?